है आटा के कुकीज़ बोल सकते हो आप, बिस्किट बोल सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी हैं। और जिसके लिए जो सामान चाहिए होगा वो मैं आपको बताती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट आपका आटा है, यहाँ पर जो मिलता है वो 1050 नंबर से मिलता है। तो ये मैं लूँगी 3 कप आटा, 3/4 लूँगी डेसिकेटेड कोकोनट, आपकी मर्जी है डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। फिर इसी के बैक साइड में है, ये है वॉलनट अखरोट का पाउडर, आप बादाम का पाउडर भी डाल सकते हो। यह है दूध जो हमें गूंदने के लिए डो बनाने के लिए चाहिए होगा। यह है कोकोनट शुगर, यह है फ्लेवर के लिए सिनेमन पाउडर। और ये 4 चीज़ें हैं जो हम कुकी में ऊपर की तरफ से ड्रेसिंग करेंगे, जिससे कि 4 अलग तरीके की कुकी बन जाएं। तो हम डो के 4 सेपरेट पोर्शन करेंगे, एक एक में ये सारे लगाएंगे और 4 अलग फ्लेवर की कुकीज़ बनेंगी। और हमें इसमें एक पिंच नमक भी चाहिए होगा, तो वो मैं भूल गई हूँ, उसको भी ऐड करना है। तो हम पहले लेंगे 3 कप आटा, 3/4 आपका वॉलनट पाउडर और कोकोनट पाउडर, देन उसमें 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे, जैगरी नहीं ये कोकोनट पाउडर है, शुगर है वो डालेंगे, देन सिनेमन डालेंगे और फिर उसको नीट करेंगे। बाकी मैं इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और आप घी से भी बना सकते हो। तो बाकी सब चीज़ें नीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध यूज़ करेंगे और इसको नीट करते जाएंगे। तो पहले डालना है 3 कप आटा, ये ले लिया है 3 कप आटा, इसमें डालूंगी कोकोनट पाउडर, ज़्यादा डालेंगे तो टूट जाएगा इसलिए इसको थोड़ा ही डालो। देन इसमें डालेंगे 3/4 कप वॉलनट पाउडर, इसमें डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर स्वीट चीज़ को फ्लेवर एनहांस करने हो तो हम नमक डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सिनेमन, देन इसमें डालेंगे हम कोकोनट शुगर 3/4 कप। अब इस सूखे मिक्सचर को अच्छे से आप मिक्स कर लो पहले, जिससे कि इसमें जो भी फ्लेवर्स डाले हैं हमने, सिनेमन डाला है, नमक डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन इसमें हम ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको रफली ही मिक्स करना है, एकदम अच्छे से नीड नहीं करना है, क्योंकि बिस्किट के लिए हमें डो बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, रफ डो ही चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो ये किस तरीके से हो गया है, एकदम सूखा सूखा सा है, मॉइस्ट है, ज़्यादा गीला भी नहीं है और ज़्यादा सूखा भी नहीं है। इसको हम बेक करेंगे, मेरा नया ओवन है तो मैं इसको बेक करूंगी 140 डिग्री के लिए 20 से 22 25 मिनट करीब। अगर आपका पुराना ओवन है तो आप इसे 160 डिग्री पे भी रख सकते हो, अदरवाइज़ आप नमक कढ़ाई में रख के आप उस पर स्टैंड लगा के उस पर भी हल्के से आप बेक कर सकते हो, तो इट्स योर चॉइस। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके मैं इसका ही डो बना लूँगी रफ सा। ये अब डो तैयार है और बहुत ही रफ सा बना है, बट इतना ही सॉफ्ट है ये। अब इसके हम बना लेंगे, इसको रोल कर लेंगे बटर शीट्स में, एंड देन उसको कट करेंगे हम डिफरेंट शेप्स में एंड बेक करेंगे। ओवन को जस्ट 5 मिनट पहले प्रीहीट कर लीजिए, जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर ले अच्छे से। तो अब हम इस डो को बटर शीट में रोल करते हैं। हमने डो के 2 पार्ट कर लिए हैं, एक डो का पीस ये रहा, जो मैंने एक शीट ली है, ये एक हमारे पास शीट है जिसमें थोड़ा चेक्स का डिज़ाइन है, तो मैं इसको इसके ऊपर रोल करूँगी तो इसमें डिज़ाइन आ जाएगी। और फिर इसको मैं रोल करूँगी इस बटर पेपर से, यूँ पहले प्रेस करूँगी, फिर बेलन से अच्छे से इसको रोल कर लूँगी पूरा शीट में, एंड देन इसकी कटिंग करूँगी। शीट रोल कर ली है और ये ऐसे हटाया है, अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी जो भी मुझे बिस्किट चाहिए जिसके भी। तो मैं फर्स्ट वाला जो है वो करूँगी जीरा और अजवाइन का, तो मैं डाल देती हूँ और इसको हल्के से एक बार प्रेस कर दूँगी मैं बटर पेपर फिर से रख के। ये देख सकते हो ये अच्छे से इसमें कुछ चिपक गया अच्छे से। मेरा भी बहुत सारा सामान शिफ्ट नहीं हुआ है तो मेरे पास कुछ कट करने को नहीं है, तो मैंने एक बॉटल का कैप लिया है और मैं बड़े साइज़ की उसमें से कुकी कट करूँगी। पीछे हल्की सी डिज़ाइन आई है चक चक, और ये सारी ऐसे कट करूँगी। अब जो ये वाली शीट है इस पे हम डालेंगे किशमिश, फिर से रोल कर लेंगे बटर पेपर लगा के। तो
मेरा जो ओवन है वो हीट हो चुका है, मैंने कर रखा है अभी कम क्योंकि ज़्यादा देर हो गई। और ये रही कुकीज़ जो मिक्स हैं, कुछ किशमिश और बादाम और नारियल तीनों की हैं, कुछ सिर्फ किशमिश की हैं दैन कुछ बादाम की हैं, छोटी बड़ी साइज़ की हैं। और ये जीरा और अजवाइन की हैं स्टार्टिंग वाली। तो ये मेरी हो गई कुकीज़, आटा कुकीज़ तैयार। अब इनको मैं जा रही हूँ बेक करने, क्योंकि ये कुकीज़ बहुत ही पतली थिन लेयर की हैं तो इन्हें जितना हो सके कम टेम्परेचर में ही बेक करूँगी मैं। और अब ये बेक होंगी 20 से 25 मिनट। अभी हो रहा है 2:14, तो मैं करीब 2:30 पे एक बार चेक करूँगी एंड देन फिर इनको निकालूँगी। तो एक बैच मैंने कुकीज़ का निकाल लिया है, ये थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा हो गया है। और ये रहे छोटी कुकीज़, अब मैं निकालने जा रही हूँ दूसरा बैच। दूसरा बैच भी ऑलमोस्ट डन है और अच्छे से वो फूल भी चुके हैं जितने भी थे। अब मैं इसको बंद करके और ओवन को कर दूँगी बंद टेम्परेचर, और यहाँ से भी बंद। ये कुकीज़ हमारी तैयार हैं तो इनको निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। अब इन कुकीज़ को निकाल लेती हूँ मैं बोल में, और क्योंकि ये ठंडी हो चुकी हैं जो दूसरा बैच आएगा मैं फिर से इस पर रख दूँगी। मन लगा है तो किसी में नारियल का डेसिकेटेड नारियल लगा हुआ है, तो ऐसे करके जगह बची नहीं थी तो कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, बट चलेगा क्योंकि हेल्दी कुकीज़ हैं। इट डजेंट मैटर कि शेप क्या है और बाकी कैसी हैं, हेल्दी हैं, दैट्स इट। तो अभी दूसरा बैच हमारा ठंडा होगा तब हम फिर से नेट पे रखेंगे। मैंने दूसरा वाला बैच भी निकाल लिया है और ये वाला परफेक्ट ब्राउनिंग हुई है। दूसरे जो मैंने निकाले थे ऑलरेडी वो थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं। और इसमें कोकोनट आप देख सकते हो, कोकोनट अच्छे से थिकनेस प्रॉपर है, फ्लफी हो गए हैं, फूल गए हैं ये अच्छे से। जो इनका साइज़ था अब वो अच्छे से फूल चुका है। अब इनको ठंडा करने के लिए मैं एक एक करके इसको ऐसे ही वायर गेज पे रख लूँगी, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने ही अच्छे बने होंगे। परफेक्ट कुकी बच्चों के लिए भी, और आप अगर अपने फिटनेस रूटीन में हैं देन ये कुकी भी अच्छी है। आप एक कॉफ़ी के साथ ले सकते हो, अराउंड 150 कैलोरीज होगी किलो कैलोरी, तो आप ये ले सकते हो कॉफ़ी के साथ भी एक इवनिंग स्नैक में। ऑलमोस्ट ये बन चुकी हैं, आई थिंक नहीं तो 30-40 कुकीज़ बन चुकी हैं ऑलरेडी। डन, अब ये ठंडी होंगी यहाँ पर दोनों पे, ऑफ फिर जाएगा इसमें देन इससे जाएगा इन कंटेनर्स में, इन बर्नी में जो मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो कुकीज़ बनी है ये अंदर से भी मस्त बनी है, एकदम क्रिस्पी लेयर आई है अंदर। और मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इतनी ही क्रिस्पी लेयर एकदम अच्छे से बन के आई है। तो मैं इसका एक बाइट लेने जा रही हूँ, एकदम परफेक्ट केक जितना चाहिए था मुझे, बहुत ही अच्छी कुकीज़ बने हैं। तो ये मैंने कुकीज़ जो थी सारी वो मैंने इसमें बर्नी में रख ली हैं, और आप ये स्टोर करके आराम से रख सकते हो जब तक रखनी है। सो अमेजिंग, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे से बनी और मस्त बनी। तो ये रहा हमारी कुकीज़ का, आटा कुकीज़ का जार, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।